में हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इफ अ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, यानी आपको साइन ए की वैल्यू दी हुई 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए एंड टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर हम लोग फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी ड्रा करेंगे। लेट अस ड्रा ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। गिवन एंगल ए है, तो ए को हम यहाँ पर 90 न बना के किसी और को भी आप 90 बना दीजिएगा। तो कैसे करना है, फर्स्ट साइन ए इज इक्वल टू 3/4 गिवन है। साइन का फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका ट्रायंगल में कौन सा है, बीसी। इफ एंगल बी यहां पे, तो अपोजिट साइड आपका परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। एंड हाइपोटेनस क्या है, एसी। देयरफॉर बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3k रेशियो है, इसलिए एक मल्टीपल कंसीडर कर लेंगे 3k। एंड एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4k, ठीक है। बीसी आ गया, एसी आ गया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, एबी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर एबी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस एसी स्क्वायर और माइनस बीसी स्क्वायर, ठीक है। तो एसी की वैल्यू क्या है, 4k स्क्वायर माइनस बीसी की वैल्यू क्या है, 3k स्क्वायर। 4 4 16k स्क्वायर माइनस 3 3 9k स्क्वायर, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7k स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर, देयरफॉर AB इज इक्वल टू अंडर रूट 7k। ये आपका AB की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट फाइंड क्या करना है आपको, cos A। तो cos A, cos A का फार्मूला क्या होता है, cos के लिए फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो आपको फार्मूला लर्न है, नहीं लर्न है तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इस तरीके से आपको फार्मूला में आपका कॉस क्या आ रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस के लिए क्या, आपका एंगल ए के लिए बेस क्या है, एबी। एंड हाइपोटेनियस क्या है, एसी, ठीक है। तो एबी इज इक्वल टू क्या है, गिवन है एबी, फाइंड क्या है, रूट 7k। एंड एसी की वैल्यू क्या है, 4k, की कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा, रूट 7/4। ये कॉस ए की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्या आस्क किया है, टेन ए, तो टेन ए, टेन इज इक्वल टू, टेन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, बीसी, एंड बेस क्या है, बी। तो क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन बी बी ए। BC की वैल्यू क्या है, 3k। एंड BA की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, रूट 7k, की कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, 3/√7। ये आपके बोथ आपके आंसर्स, cos and tan फाइंड करना था, दोनों आ चुके हैं, तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, ठीक है। इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। मींस आपको cot a इज इक्वल टू गिवन है, sin की वैल्यू और sec की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हम लोग एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे, लेट अस ड्रा ट्रायंगल abc, एंगल B इज 90 डिग्री। B कहां पे लेंगे हम लोग, 90 पर। A गिवन है, A फाइंड करना है, A गिवन भी है, तो जो गिवन है उसको हम लोग कहां पे लेंगे, बेस में। तो आपका ये बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और 90 डिग्री आपका कहां पे है, B पे। नेक्स्ट लाइन देन क्या होगा,
15 cot A, ये गिवन है, तो हम सॉल्यूशन A से स्टार्ट होगा, 15 cot A इक्वल 8, नेक्स्ट लाइन cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं cot का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपका क्या है, AB, AB अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, BC, BC, तो हम लोग यहां पुट अप कर दे रहे हैं क्या है 8 एंड यहां पे आपका 15, तो AB इज इक्वल टू क्या मिल गया, रेशियो है तो एक आपका मल्टीपल आएगा 8 के हो गया एंड BC इज इक्वल टू 15 के। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग हाइपोटेनस निकालेंगे, तो हाइपोटेनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर AC की वैल्यू फाइंड करनी है, AB की वैल्यू गिवन है 8k स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू गिवन है 15k स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 8 8 64 k स्क्वायर प्लस 15 15 जा 225 k स्क्वायर, ठीक है, एडिशन करेंगे 549268 आपका k स्क्वायर 289 k स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देयरफॉर AC इज इक्वल टू अंडर रूट 289 k स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या है इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 17, तो 17 k स्क्वायर हो गया ये। नेक्स्ट सॉल्व क्या करना है, साइन a, तो साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है AC, BC की वैल्यू क्या फाइंड है, हम लोग को पहले से ही फाइंड है BC की वैल्यू 15 की है, AC की वैल्यू हम लोग फाइंड की है 17 की, सॉरी यहां पे स्क्वायर नहीं होगा 17 की, तो 17 की सॉल्व करेंगे तो 7 की कैंसिल हो गया 15 अपॉन 17, ये फर्स्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड, तो सेकंड की वैल्यू निकाल लेते हैं, सेकी की वैल्यू कैसे निकली, सेक का फार्मूला हम लोग लिखेंगे, सेक का फार्मूला क्या होता है, लग नहीं है तो कोई बात नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हरि, हरि बोल साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो सेक का क्या है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस आपका फिगर में कहां पे एसी और बेस क्या है एबी, एसी की वैल्यू क्या है हम लोग फाइंड कर चुके हैं 17 के एंड बीसी की वैल्यू या एबी की वैल्यू क्या है, एबी की वैल्यू भी गिवन है 8 के कैंसिल हो गया आंसर आया 17 अपॉन 8, या के दो आंसर्स फाइंड करने थे साइन ए की वैल्यू एंड सेक की वैल्यू, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल मेथड, इस तरीके से हम लोग अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे।